सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को रिलायंस जियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो रिलायंस जियो यूजर्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिलायंस का जो डेटा था वो लीक हो गया है। लगभग 120 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया है। तो वहीं एक वेबसाइट है magicapk.com, वहाँ जाके अगर आप किसी भी जियो नंबर को सर्च करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाती है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका पता आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर, आपने कब लिया था, आपका आधार कार्ड नंबर तक यहाँ पर आ जाता है। तो ये वेबसाइट लीक होकर सामने ही है। यहाँ पर अगर आप अपने जियो नंबर, मतलब कोई भी जियो नंबर अगर इंटर करते हैं तो वो उसकी सारी डिटेल निकाल के ला देगी। मतलब जियो का यहाँ पर डेटा हैक हो गया है। आप देख सकते हैं magicapk.com में अगर जाके आप अपना अगर आप सर्च करते हैं नंबर तो वहाँ पर आपका पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। मतलब जियो की तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जियो का डेटा जो है वो लीक हो गया है। तो जियो यूजर्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है कि आपका डेटा, ईमेल आईडी, सब कुछ, मतलब जितना आपका पर्सनल डेटा है सब लीक हो गया है। लेकिन वहीं इस अगर अभी आप जाते हैं इस वेबसाइट पे तो ये वेबसाइट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अकाउंट इज सस्पेंडेड। लेकिन जियो यूजर्स के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि आपका डेटा हैक हो गया होगा। लेकिन अभी तक कोई जियो की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो वेट करते हैं कि जियो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए। जियो में कुछ फॉल्ट है, कुछ बग्स है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर जियो प्रॉपरली अच्छी तरह से होता तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। आपको पता ही है कि जियो का जो ऑफ़र है वो भी ख़त्म होते होते किसी कभी का पहले हो रहा था, किसी का लेट में हो रहा था, कभी का जल्दी हो जा रहा था। तो ये सब जियो को ठीक करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट का नाम है magicapk.com। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी जियो नंबर सर्च करते हैं तो वो उसकी पूरी डिटेल निकाल के रख देगा, आपको नाम निकाल देगा, मोबाइल नंबर, आपने ये सिम कब लिया था, आधार कार्ड नंबर, मतलब ऑलरेडी टोटल सब कुछ आपको यहाँ पर निकाल के रख देगा ये। तो अभी तो ये अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है magicapk.com को। तो देखते हैं कि जियो की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुँचे और वो भी सेफ रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले टेक वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।